नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है, ये पीसीसी है, कौन सी कंट्री की, सिंगापुर की स्टूडेंट की आई है। आप ये देख सकते हैं, इनको पीसीसी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने कहीं फॉरेन कंट्री में फर्दर अप्लाई करना है, तो वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट आ गई कि पीसीसी भी आप हमें प्रोवाइड करें क्योंकि आप सिंगापुर में एज ए स्टूडेंट या वर्क परमिट पर रहकर आए हैं। तो अभी आप हमारी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं और सिंगापुर या किसी भी कंट्री में मोर देन 6 मंथ से रहे हैं तो वहाँ की भी पीसीसी हमें प्रोवाइड करें। तो ऐसे है कि इसकी सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो सर्विस चार्ज है 30,000 रुपये लगता है यहाँ की पीसीसी का, 30,000 से 35,000 डिपेंड है कि क्या सर्विसेज हैं। अभी इसकी गवर्नमेंट की फ़ीस सिर्फ 30 सिंगापुर डॉलर है। आप अपने लेवल पर अप्लाई करें, मैं ये नहीं कहता कि मेरी सर्विस लें, मुझे दें आप 30,000 रुपया 35,000 रुपया, यू कैन डू एट यूर ओन, आप ट्राई करें। नहीं होती तो तब हम आपकी ये सारा का सारा काम करवा सकते हैं। तो लोग कमेंट्स लिखते हैं, डालते भी हैं, सर $30 की तो इसकी फीस है गवर्नमेंट की, तो आप सर इसके 35,000 रुपये लेते हैं, 30,000 रुपये लेते हैं, इसका क्या रीज़न है। मैं क्या रीज़न क्या है, ये तो लुटेरे हैं ऐसा भी कहते हैं। मैंने ये बताया कि यू आर नॉट बाउंड, मैं आपको बाउंड नहीं किया कि आप मेरी सर्विस लें। आप नंबर ऑफ कंसल्टेंट इन द मार्केट, यू कैन ट्राई देयर, अगर आपको नहीं मिलेगी तो देन वी आर हेयर। आप ये बताइए कि आपको जब आपने इसकी पीसीसी लेनी है, आपको अपने फिंगरप्रिंट्स भी वहाँ पर भेजने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स की कोर्स क्या है, वो कहाँ से करवाने, पहले यही आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, आइडिया है भी आपको जिसने ये कमेंट्स डालते हैं, तो उसकी फ़ीस कितनी है पहले यही बता दीजिए हमें। उसके बाद इसको हमें वहाँ पर भी भेजना है सिंगापुर में थ्रू कोरियर। वहाँ भेजने के बाद वहाँ से जब आपकी पीसीसी हो जाती है, वहाँ से भी कोरियर आएगा वापस, तो सिंगापुर के कोरियर चार्जेस क्या हैं जाने के और आने के, ठीक है। फिर बायोमेट्रिक की भी मैंने आपको बता दी कि बायोमेट्रिक की फ़ीस कितनी है। फिर गवर्नमेंट की फ़ीस जो 30 सिंगापुर डॉलर है, इसको सारे को कैलकुलेट कर लें। फिर देखिए, हमने भी दुकान खोली है, हमने भी 2 रुपये कमाने हैं और मेरा बंदा भी वहाँ पर होना चाहिए सिंगापुर में, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी बॉडी इन सिंगापुर यू कांट अरेंज दिस पीसीसी, वो भी हमें चाहिए। तो जिसने वहाँ पर बैठा है उसके थ्रू भी करवानी, तो उसको भी मेरे कुछ भेजना पड़ेगा। इवन दैट, फिर हमें गवर्नमेंट का 18% भी GST है, वो जो लेना नहीं देना नहीं, गवर्नमेंट कहती हमें भी 18% दो, जो आपने पेमेंट देनी है तो आपको 18% उसका भी लगेगा। ये सारा मिलाकर हम ये फीस लेते हैं। तो कमेंट्स बड़ी ईजीली डाल देते हैं, क्रिटिसिज्म इज़ वेरी ईजी देन प्रेजिंग टू अदर पीपल्स। और फिर बता दिया देर इज़ नो एनी बैड इंटेंशंस, कोई बैड इंटेंशंस नहीं है हमारी कि हम आपको जानबूझ के डिस्टर्ब करें, हम आप कह रहे हैं मेरे पास आओ। नंबर ऑफ कंसल्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि अनदर, जो भी मैं बहुत सारी 100 कंट्रीज को प्रमोट करता हूँ, नॉलेज रखते हैं, पढ़ते हैं, उसी की फीस लेते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक कोई बेल एप्लीकेशन हम लगवाते हैं, अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस या जो भी सिविल केस होता है, तो एक वकील उसी एप्लीकेशन की फ़ीस 20,000 रुपये लेता है, एक 50,000 रुपये लेता है। उसी बेल एप्लीकेशन की एक वकील जो फीस है 1,00,000 भी लेता है, कोई 2,00,000 रुपया भी लेता है। फिर डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपनी जो सर्विस है कौन से लॉयर के थ्रू अपनी बेल एप्लीकेशन लगानी है। तो एटलीस्ट समझने की कोशिश करें, पुटिंग द कमेंट इज ईजी, मैंने फिर बता दिया, मतलब आप तो कुछ करना नहीं है तो लोगों को डिस्टर्ब करना है। एनी हो, अगर आपको किसी भी कंट्री की पीसीसी चाहिए तो क्राउन इमिग्रेशन इज़ हेयर, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे किस तरीके से हम आपकी वहाँ से पीसीसी ले सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिले जरूर हो सकता है लेकिन वो डिले हमारे एंड पर नहीं है, हम इमीडिएटली अप्लाई कर देते हैं, आपको कन्फर्मेशन भी दे देते हैं। डिले उनसे रिप्लाई आने में हो सकता है, दे आर टेलिंग कि जो आपका जहाँ पर जिस लोकेशन में आप रह कर आए हैं वो पुलिस स्टेशन फार फ्रॉम एरिया है उस सिटी से, तो वो चीज़ें डिले हो सकती हैं। मैनुअल सिस्टम है तब डिले हो सकता है, लेकिन एट अवर एंड कोई भी डिले के चांसेस कम रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है, जब किसी ने पीआर अप्लाई करनी है या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, किसी की भी कंट्री में मोर देन से 6 मंथ से रहकर आते हैं तो उन कंट्री की पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आपको किसी भी कंट्री की पीसीसी की रिक्वायरमेंट, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।